दो दिवसीय गोरखपुर महोत्सव में लोगों को भरपूर मनोरंजन उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन भरपूर कोशिश कर रहा है। जहां कोरोना काल को देखते हुए इस बार महोत्सव को दो दिनों में समेट दिया गया है, वहीं बॉलीवुड और भोजपुरी नाइट नहीं करने का फैसला लिया गया है। इसके बावजूद लोगों को भरपूर मनोरंजन उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन जहां स्थानीय कलाकारों को मंच दे रहा है, वहीं लखनऊ से लोकगीत गायिका रंजना रचिता, स्वाति रिजवी, कथक नृत्यांगना माया व सुप्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर भी गोरखपुर महोत्सव में अपना जलवा बिखेरने आ रही है, जिसकी सहमति उन्होंने वीडियो क्लिपिंग के माध्यम से दी है, जिसको गोरखपुर न्यूज चैनल पर प्रसारित किया जा रहा है। नमस्कार, बाबा गोरखनाथ की जय हो। मैं बाबा गोरखनाथ के धाम रंजना राजिता लखनऊ से लोक गायिका आ रही हूँ 12 तारीख को, 12 जनवरी को। ऐसे ही ऐसे गीतों का और भी बहुत सारे पारंपरिक गीतों का गुलदस्ता लेके आप लोगों के सामने आ रही हूँ। सो प्लीज़ आप लोग आइए, मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, मुझे सुनिए और देखिए और अपना आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद। रुनुक झुनुक बाजे, अरे रुनुक झुनुक बाजे, पयल तोर पौआ बड़ा नीक लागे, ननद तोरा गौआ बड़ा नीक लागे, ननद तोरा गौआ बड़ा नीक लागे। पटना से बैदा बोलाए दा, हे नजरा गई गुइया, पटना से बैदा बोलाए दा, हे नजरा गई गुइया, नई झुलनी के छैया बलम दुपहरिया बिताइला, नई झुलनी के छैया बलम दुपहरिया बिताइला, बलम दुपहरिया बिताइला, बलम दुपहरिया बिताइला, नई झुलनी के छैया बलम दुपहरिया बिताइला। प्रणाम, मैं हूँ मैथिली और मैं आ रही हूँ आप सभी के बीच गोरखपुर महोत्सव में अपनी प्रस्तुति देने। दिनांक 13 जनवरी और स्थान है चंपा देवी पार्क। बाबा गोरखनाथ के भूमि पर अपनी प्रस्तुति देने मैं पहली बार आ रही हूँ, तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आएंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि बाबा गोरखनाथ की पावन मंगल धरती पर गोरखपुर में गोरखपुर महोत्सव का बृहद आयोजन किया जा रहा है। उक्त कार्यक्रम में आप संगीत कलाओं का भरपूर रसास्वादन करने जा रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि दिनांक 13/1/2021 दिन बुधवार को मैं और स्वाति रिजवी जी अपने भजनों और कला की अन्य विधाओं के माध्यम से आपको आह्लादित करने गोरखपुर आ रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप दिनांक 13 जनवरी बुधवार को मंगल पंडाल में पधारकर संगीत का आनंद लें। मैं आभारी हूँ गोरखपुर प्रशासन एवं पर्यटन विभाग का कि इस सुंदर आयोजन में एवं सुधी श्रोताओं के मध्य अपनी प्रस्तुति करने का अवसर मुझे प्रदान किया है। आप सभी संगीत प्रेमियों की आतुरता से प्रतीक्षा रहेगी और आप भी स्वस्थ मनोरंजन के लिए प्रतीक्षा करें। भेंट होती है 13 जनवरी 2021 दिन बुधवार को। नमस्कार। नमस्कार, मैं माया, कथक नृत्यांगना। अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे बाबा गोरखनाथ के दरबार में, गोरखनाथ की नगरी में अपनी कला की प्रस्तुति का सुअवसर प्राप्त हुआ। मैं गोरखपुर अपनी कला प्रदर्शन के लिए 13 जनवरी को आ रही हूँ। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार और गोरखपुर प्रशासन को धन्यवाद देती हूँ। आशा है आपको मेरा नृत्य पसंद आएगा, आपका सम्मान और प्यार मुझे मिलेगा। धन्यवाद।